नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ग्रामीण महासंग्राम प्रीमियर लीग 2 का हुआ आयोजन, रेलवे पुलिस कमिश्नर कैसर खालिद ने लिया भाग। छत्रपति प्रतिष्ठान चांदी बना विजेता, श्रीराम स्पोर्ट्स खानीवाड़े को चटाई धूल। वसई तालुका अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले ग्रामीण महासंग्राम प्रीमियर लीग 2 का आयोजन अभी हाल ही में संपन्न हुआ, जिसमें रविवार 6 मार्च को छत्रपति प्रतिष्ठान चांदीप एवं श्रीराम स्पोर्ट्स खानीवाड़े के बीच फाइनल मैच खेला गया। छत्रपति प्रतिष्ठान विजेता रहा। इस मैच का मुख्य आकर्षण रेलवे पुलिस कमिश्नर कैसर खालिद रहे, जिन्होंने खुद विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। कैसर खालिद के साथ बहुजन विकास आघाड़ी नेता और पूर्व सांसद बलिराम यादव भी इस मैच का आनंद उठाने एवं खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने पहुंचे थे। इन दोनों महानुभाव के अलावा TDC बैंक चेयरमैन राजन पाटिल, वसई रेलवे पुलिस निरीक्षक सचिन इंगोवले एवं भाताणे के उप सरपंच भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन सचिन मालवी ने किया। कुल 12 टीमों के बीच होने वाले मुकाबलों के प्रथम विजेता को 1,11,111 का इनाम दिया गया। वहीं द्वितीय विजेता को 77,770, तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को 55,555 और चौथी पायदान को 33,333 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए विशिष्ट अतिथियों ने स्थानिक प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में मदद हेतु स्थानिक लेवल पर स्पोर्ट सुविधाओं के बढ़ावे पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। लेवलवर जसं आपण शहरामध्ये करतो तसं ग्रामीण भागात कुठला स्पोर्ट्सचे टूर्नामेंट कोणी आयोजित करू शकतात। या सर्व जे मॅनेजमेंट आहे ज्यांनी याला आयोजित केलेलं आहे आणि याच्या पाठीमागे खूप मेहनत घेतलेली आहे आणि खूप इन्व्हेस्टमेंट सुद्धा केलेलं आहे, मी सगळ्यांना धन्यवाद देतो। यावेळी हा जे पीच आहे याला खूप चांगला केलेला आहे, ग्राउंडलाही चांगला केलेला आहे, आसन व्यवस्थाही चांगला आहे आणि लोकांमध्ये जोश सुद्धा खूप दिसला मला। म्हणजे पटेल भारत की अभी भी 60% जो है लोकसंख्या वो ग्रामीण भाग में रहती है। मतलब इस देश में अगर आप 125-130 करोड़ लोग हैं तो उसका 60% ग्रामीण भाग में रहता है। मैं खुद ग्रामीण भाग से आया हुआ आदमी हूँ तो मैं इस बात को जानता हूँ कि ग्रामीण भाग में भी टैलेंट की भरमार है, कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब जो गेम है यहाँ पे क्रिकेट, ये बेसिकली बड़े शहरों का गेम होके रह गया है। छोटे शहरों में बल्कि कुछ सालों पहले तक तो ऐसे स्टेट्स जो बहुत डेवलप नहीं थे वहाँ पे भी इस गेम का कोई ज़्यादा फ्यूचर नहीं था। लेकिन आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है कि एक छोटे से जगह से आकर के उन्होंने इंडिया की कैप्टनशिप भी की और जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है वो सबको मालूम है। इसी ढंग से बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं, प्लेयर्स ऐसे आ रहे हैं जिनका कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो छोटे शहरों से Tier 2, Tier 3 टाउन से हैं, नॉन मेट्रोस हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, टैलेंट को बढ़ावा देना, उसको प्रोग्रेस होने के लिए, डेवलप होने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, मैं समझता हूँ कि समाज के नाते हम सब की जिम्मेदारी है। और इसीलिए मैं 2 सालों से इस गेम में आता हूँ कि ये गाँव के परिवेश में ये गेम हो रहा है। अब अभी मैचेस देखिएगा, पिछली बार मैंने देखा बहुत कॉम्पिटिटिव मैच था, फाइनल तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव था। तो ऐसा नहीं कि इनमें टैलेंट नहीं है, लेकिन टैलेंट की नरिशिंग बहुत ज़रूरी है। अब आपको मालूम है कि अगर तेंदुलकर साहब या विनोद कांबळी को आचरेकर जैसा गुरु नहीं मिलता या इवन प्रवीण आमरे को, तो प्रोबेबली वो वहाँ नहीं होते जहाँ पर वो पहुँचे। तो उसको नरिश करना, उसको शेपअप करना बहुत ज़रूरी है। ये अपॉर्चुनिटी है, इसी में से आपको टैलेंट नज़र आएगा और इसमें जिसको टैलेंट है उसको फिर आगे जगहों पे चांस मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। हमारी बहुत सारी टीम्स है, रणजी की टीम है, ईरानी ट्रॉफी की टीम है, और भी बहुत सारे गेम्स होते रहते हैं। मुंबई की स्कूल से आप देखिए कितने लोग निकले हैं, आगे बढ़े हैं। तो ऐसा होना चाहिए और इसलिए मैं समझता हूँ जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, सचिन हैं और लोग हैं, यहाँ XMP साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन सब ने इसको ऐसा बढ़ावा दिया है कि उसके कारण आज आप इतनी भीड़ यहाँ देख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और बड़े पैमाने पर। सर, आपने कहा कि आपने ड्रग्स के माध्यम, अगर ड्रग्स अगर देखेंगे हमारे देश में बहुत फैलता जा रहा है, स्पोर्ट्स के माध्यम से यंग लोग को, यंग जनरेशन को डाइवर्ट करके हम स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ले जाए तो कभी हो सकता है कि कम हो जाए। देखिए, स्पोर्ट्स जो है ना वो एक कैथार्टिक इम्पैक्ट लाता है, आपको बहुत सारा दुख, बहुत सारा परेशानी आप भूल जाते हैं, आप उससे निकल जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, आपको एक थ्रिल मिलता है।
थ्रिल ड्रग्स भी मिलता है लेकिन वो निगेटिव है, वो आपको नीचे लेकर जाता है। जब आप स्पोर्ट्स में आते हैं तो क्या होता है, आप टीम में खेलते हैं तो टीम स्पिरिट आती है, तो आप अपने दुख और सुख शेयर करते हैं। एक दूसरी बात है कि आप चूँकि मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आपको थ्रिल जो है आपको बहुत सारी चीज़ों से निजात देती है। तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स जितना बढ़ेगा ड्रग्स उतना कम होगा, तो एक बहुत अच्छा कदम इस हवाले से भी है। देखिए कबड्डी तो गांव का खेल हुआ करता था, अब आप देखिए कि कबड्डी का प्रीमियर लीग होने लगा है और अच्छे लोगों को, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को उसमें रोज़गार मिला है, पैसे मिले हैं, फेम मिला है, पूरे इंडिया में लोग पहचानते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। कुश्ती गाँव का खेल हुआ करता था, अब कुश्ती तो ओलंपिक तक चलता है। तो इसी ढंग से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जो यहाँ के माहौल में भी बढ़ सकती हैं, और इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छी स्पोर्टिंग फैसिलिटी और अच्छा अपॉर्चुनिटी आपने ये करा दिया, तो इसमें बहुत सारे टैलेंट उभर के आए। सर आपने कहा टैलेंट, बैकग्राउंड और अपॉर्चुनिटी, ये किसी को ही नसीब होती है, आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि मध्यम वर्ग आपने देखा है ग्रामीण में कितने कैसे खिलाड़ी है, यहाँ पे उनको कहीं पे जाके कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, टैलेंट रहता है पर बैकग्राउंड की वजह से उनको डाइवर्ट किया जाता है। मैं समझता हूँ कि इन सब लोगों को धोनी मूवी देखनी चाहिए कि धोनी जब कलकत्ता में नौकरी करते थे तो क्या हाल था और किस हिसाब से उन्होंने अपने गेम को, पैशन को नहीं छोड़ा। मैं इस बात को मानता हूँ कि ग्रामीण भाग में अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन कंसिस्टेंसी जिसके अंदर है वो कहीं ना कहीं कामयाब ज़रूर होगा। 99% मेहनत होती है, 1% लक होता है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे साथ के जो लोग हैं वो छोटे मोटे काम धंधे करते हैं, मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रहा, मैं लगा रहा, मुझे अपने ऊपर भरोसा था, मुझे भगवान पर भरोसा था और मुझे ये मालूम था कि मेरा जो रास्ता है वो सही रास्ता है। तो जो भी बच्चा लगा रहेगा वो ज़रूर कहीं ना कहीं मंजिल पा लेगा। और आज का दौर क्या, आप वीडियो में सब चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत सारे टैलेंट हंटर होते हैं जो ढूंढते हैं, लेके जाएंगे लोगों को और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर। काय सांगाल आणि कशा प्रकारे ग्रामीण भागांमध्ये जे खेळाडू आहेत त्यांना कशा प्रकारे त्यांना प्रोत्साहन भेटेल याविषयी काय सांगाल? ग्रामीण भागामध्ये अशी ह्या टाईपची स्पर्धा कधी झाली नव्हती आणि ग्रामीण भागामध्ये खूप उत्करू खेळाडू आणि खूप काही प्रतापवान खेळाडू, पण त्यांना कधी असं प्लॅटफॉर्म मौका नाही भेटला, त्याच्यामुळे त्यांना या अशा याच्यावर प्लॅटफॉर्म भेटावं म्हणून आम्ही स्पर्धेचं आयोजन केलं आहे। ह्या स्पर्धेचा सलग दुसरा वर्ष आहे आणि मात्र याची लोकप्रियता एवढी वाढली की उत्स्फूर्त प्रतिसाद भेटला आहे। कसा उत्साह होता खेळाडूंमध्ये, किती दिवस हा सामना सुरू होता आणि हा विजेता कोण ठरलाय किंवा काय त्याबाबत काय? 6 दिवसाचा हा आम्ही स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आणि 6 दिवसामध्ये आम्ही 12 संघ असे 12 संघाचे आम्ही आयोजन केलेले आहे। त्या आम्ही ऑप्शन घेऊन खेळाडू इलो केले ग्रामीण पुरोपट्टीमध्ये, जेवढे पण राहणार आहे त्यांच्या पुरोपट्टीमधून आणि त्यांच्या याच्यातून आम्ही 12 संघ निवडून त्यांच्या ऑनरशिप दिलेली प्रत्येकाला। 3 दिवस सतत हे सामने चालू होते, त्याच्यामध्ये फायनलला 2 सामने आले, त्यातला शिवप्रतिष्ठान हा 1 नंबरचा विनर ठरला, श्रीराम स्पोर्ट हा 2 नंबरचा हे झालं। या पारितोषिक आहे 1,11,111, प्रथम पारितोषिक, द्वितीय आहे 77,777, तिसरं 50,000 आहे आणि 5,55,000 आहे। आम्हाला इच्छा, आमची स्वतःची इच्छा आहे क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करताना इथले चांगले प्रतिभावंत खेळाडू चांगल्या स्तरावर जावे, ही आमची इच्छा होती, म्हणून आम्ही ग्रामीण प्रीमियर लीगचं एक आयोजन केलेलं आहे आणि मात्र वाटते याच्यातून आता चांगले चांगले प्रतिभावंत खेळाडू पुढे येतील आणि चांगल्या स्तरावर त्यांचं हे। सर्वांना विनंती आहे की आपण असं नियोजन आहे की आम्ही आता सध्या तरी या गाव खेड्यातच या स्पर्धा आयोजित करतो, परंतु आमचं असं आयोजन आहे पुढच्या वर्षी की ही स्पर्धा देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरली पाहिजे, त्या उद्देशाने आम्ही ही जी लीग आहे ती ऑल इंडिया लीग करण्याचं आमच्या कमिटीमार्फत अध्यक्ष सचिन मालवी यांच्यामार्फत आम्ही एक मीटिंग घेऊन ते ठरवणार की पुढच्या वर्षी जेणेकरून जास्तीत जास्त गाजावाजा या स्पर्धेचा झाला पाहिजे अशी आम्ही ही स्पर्धा आयोजन करण्याचं ठरवणार आहोत। सर एकूणच या ग्रामीण भागातून कोणते होतकरू खेळाडू हा पुढे जाता येत नाही आहे, पण त्यांना तुम्ही प्रोत्साहन म्हणून ह्या तुमच्या मंडळातर्फे त्यांना तुम्ही काहीतरी नियोजन किंवा त्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न करणार आहे का तुमचं मंडळ? आता जी टेनिसमध्ये एक विनर स्पोर्ट नावाची जी नावाजलेली जी टीम आहे तिच्या जोडीने आणि मी सचिन भाऊ आम्ही असं आयोजन केलं की यातील जे चांगले चांगले खेळाडू आहेत ते सर्व निवडून आणि एक बाहेर जी ऑल इंडिया टेनिस मॅच होतात तिथे या मुलांना आम्ही पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। पुढच्या वेळेस महिलांचा वगैरे संघ वगैरे होणार आहेत काही? नक्कीच याचा आम्ही प्रयत्न करू, कारण पालघर पट्ट्यात खूप अशा महिलांचे संघ आहेत, तर यावर्षीच आमचं ते नियोजन होतं की आम्ही महिलां टीम, परंतु थोडं काय आमचं
तालतंत्र जमलं नाही, पण पुढच्या वर्षी नक्कीच आम्ही महिलांसाठी एक दिवस आयोजन सामन्यांचं करू. किती टीम खेळले आणि विजयी कोण झाले, काय पारितोषिक? पूर्ण स्पर्धेत 12 संघ खेळले, त्याच्यात छत्रपती प्रतिष्ठान ती माझी स्वतःची संघ आहे, तिने आज विजेतेपद पटकावलेलं आहे. धन्यवाद धन्यवाद. कार्यक्रमाबद्दल काय भावले? आजच्या कार्यक्रमाबद्दल जर सांगायचं झालं तर माहोल समोर दिसतोच आहे, आणि ग्रामीण भागामध्ये ज्यावेळेस असा माहोल होतो त्या माहोलमधून असं वाटतं की आमच्यामधला देखील एक दुसरा खेळाडू इंटरनॅशनल पर्यंत पोहोचावा असं मनापासून वाटतं. सर तुम्हाला काय वाटतं पुन्हा एकदा पालघर जिल्ह्यामध्ये शार्दूल ठाकूरला उभरावा? वा वा वा, शार्दूल ठाकूर काय, एक शार्दूल ठाकूर नाही, हजार शार्दूल ठाकूर पालघर जिल्ह्यातून व्हावे असं वाटतंय. ही ग्रामीण प्रीमियर लीग जी आयोजित केलेली आहे अतिशय चांगली आहे. ग्रामीण भागातल्या मुलांना एक अपॉर्च्युनिटी तयार करून दिलेली आहे. खरं म्हणजे आपल्याकडच्या खेळाडूंमध्ये खूप चांगलं स्किल्ड आहे, परंतु डेव्हलप झालं पाहिजे, आणि डेव्हलप जाण्यासाठी एक व्यासपीठ चांगल्या पद्धतीचं उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने संधी भेटत नाही असं तुमचं म्हणणं आहे का? निश्चित, कारण काय माहिती आहे का, आपल्याकडे स्किल्ड भरपूर आहे परंतु त्यांना अपॉर्च्युनिटी भेटत नाही. आणि एक फाउंडेशन, आता बघा माननीय राजीव पाटील यांच्या माध्यमातून जो काय आपण एक क्लब स्थापन केलेला आहे त्याच्यामध्ये शार्दूल ठाकूरसारखे खेळाडू निर्माण झालेले आहेत. त्याच पद्धतीने या ग्रामीण भागातील अनेक शार्दूल ठाकूर ज्यांच्याकडे स्किल्ड आहे असे शार्दूल ठाकूर या ठिकाणी तयार होतील. वेळ लागेल परंतु निश्चित तयार होतील आणि या भागाला न्याय मिळेल असं मला वाटतं. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.